वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस बूस्टर सीरीज नंबर 4, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को कर रहे हैं। और इसमें आज का हमारा सेशन जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में, फिर चाहे आपका एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस हो, फिर चाहे आपको एमएस सेट हो, के सेट हो, या तो फिर किसी स्टेट का एग्जाम हो, या तो फिर यूजीसी नेट हो, हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन इससे कई सारे पूछे जाते हैं, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, एससीओ और कुछ एक दो और, ठीक है। तो हम लोग मेनली ये करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको जो जो एग्जाम के लायक जो फैक्चुअल चीजें हैं मैं उनको रिवाइंड करवाने की कोशिश करूंगा आपके सामने, ठीक है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट वन क्लास हो चुका है, पार्ट टू भी क्लास हो चुका है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग सब मिलकर, और आज जो है वो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क एंड अदर, ठीक है। तो आर यू रेडी गाइज, आर यू रेडी गाइज, आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? डू कम इन फास्ट। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस यस यस। प्रणा, कानू, नरेंद्र, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो कुछ क्वेश्चन है उनको करते हैं और उनके बाद हम लोग सभी चीजों को एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सार्क। आपको बताना है कि सार्क के बारे में इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आई एम प्रोवाइडिंग द पोल, प्लीज रीड केयरफुली। ओके, okay, I am providing the poll. चलिए मैंने पोल दे दिया है, आप सभी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को हड़बड़ी में नहीं, आराम से क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। ओके, चलिए देखते हैं। टेन मोर सेकेंड्स। ओके, तो आई एम सीइंग दैट 9 लोगों में से मात्र 6 लोग आंसर किए हैं, ये कैसे हुआ? बाकी 3 लोग कहाँ चले गए, खाना खाने चले गए क्या? चलिए, तो इसमें नरेंद्र, राहुल, राज, अर्जुन 2 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, कांग्रेचुलेशन टू बोथ, एंड बाकी लोग जो है वो इसका आंसर करेक्ट नहीं कर पाए। चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कैसे ये क्वेश्चन सही होगा। स्टेटमेंट ए देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एंड रशिया आर ऑब्जर्वर स्टेट्स। हमें देखने को मिलता है कि टोटल सार्क के 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जिनमें से 3 जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान तो है लेकिन उसमें अभी रशिया नहीं है, ठीक है। इसलिए असेसमेंट ए जो है वो ए में रशिया जो आ गया उसके वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट, प्रमोट एंड एक्सटेंडेड कलेक्टिव डिफेंस अमंग मेंबर स्टेट्स। जो आपका सार्क है वो डिफेंस के लिए नहीं बना है, ठीक है, मतलब दैट इज नॉट अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी और मिलिट्री अलायंस, ये नहीं है, बल्कि ये एक सोशल और कल्चरल अलायंस है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी भी आपका गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, इंडियन बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क ट्वाइस। वेरी गुड, कि आपका जो इंडियन, कोई भी ऐसे इंडियन जो 2 बार आपके सार्क के सेक्रेटरी बने हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है, कैन यू टेल मी द नेम हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी ऑफ सार्क। वो कौन पहले इंडियन थे जिन्होंने सार्क के सेक्रेटरी बने थे, कैन यू रिमेंबर? आपको याद अगर नहीं है तो आप सिंपली राइट नो, अगर याद नहीं है तो सिंपली राइट नो। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग। यस नरेंद्र, हैप्पी, प्रांडा, यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है हबराने की जरूरत नहीं है। देखिए हमें देखने को मिलता है, कॉपी पेन आप लेके बैठे होंगे तो इसको नोट करना ना भूलेंगे, नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट सेक्रेटरी, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल सार्क के कौन हुए थे, तो वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे वो अबुल अहसन थे, ABULAHSAN, अबुल अहसन, जो आपके बांग्लादेश के थे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जो आपके इंडियन जो बने थे, नेक्स्ट मतलब सेकंड में नहीं, बाद में, हाँ सेकंड में ही जो आपके बने थे वो इंडियन बने थे, उनका नाम था कांत किशोर भार्गवा। रिपीटिंग अगेन, कांत किशोर भार्गवा, ठीक है, ये पहले इंडियन थे जो सार्क के सेक्रेटरी बने थे। और फिर जो दूसरे थे वो थे सील कांत शर्मा, ठीक है, द सेकेंड वॉज सील कांत शर्मा, ठीक है, सेकेंड वॉज स्पेलिंग ABUL अबुल अहसन, ACHSAN, ठीक है, ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे आपके
दूसरे मतलब जो इंडिया के सेक्रेटरी जनरल बने वो दो लोग बने हैं, पहला जो थे वो कांत किशोर भार्गवा और दूसरे जो थे वो सील कांत शर्मा। ठीक है, यू कैन सर्च इन द गूगल, आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि अभी प्रेजेंट एट प्रेजेंट सार्क क्या जो सेक्रेटरी है वो कौन है, वो कहाँ के हैं, किस कंट्री के पास अभी सार्क का सेक्रेटरी का पोजिशन है, क्या आप कमेंट में बता सकते हैं? कैन यू कमेंट? अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली राइट नो, देयर इज नो इशू। हु इज एट प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ सार्क? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो हमें ये देखने को मिलता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, अभी जो है वो अमजद हुसैन, ठीक है, उनके पास है। और ये कहाँ के हैं? तो ये आपके पाकिस्तान के हैं। ठीक है, ये आपके पाकिस्तान के हैं और वो एट प्रेजेंट सार्क के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इसलिए आपका स्टेटमेंट सी जो है वो सही है, क्योंकि इंडियन बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क ट्वाइस, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टेटमेंट डी जो है, द सेकेंड समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड इन इंडिया, बिल्कुल, जो आपका सेकेंड समिट था सार्क का वो इंडिया में हुआ था, इंडिया में उसको आयोजित किया गया था। क्या बता सकते हैं वो कौन सा शहर था जहां पर ये आयोजित किया गया था? सेकेंड समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? इफ यू डोंट नो सिंपली राइट नो, आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई एम हेयर। ओके ओके, न्यू दिल्ली कुछ लोग बोल रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, नो कोई बात नहीं, बाकी लोग बताएं जितनी जल्दी जल्दी। न्यू दिल्ली आंसर नहीं है, बैंगलोर। यस राहुल, वेरी गुड, राहुल ने इसका करेक्ट आंसर दिया, द करेक्ट आंसर इज योर बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर में जो सेकेंड सार्क समिट हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और वो इंडिया में पहली बार किसी भी सार्क समिट का आयोजन किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका स्टेटमेंट सी है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जो 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, आप इनका नाम पीडीएफ से देख कर और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ईयू, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट मीन्स की नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, सिंपली राइट कमेंट, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, किसके बारे में बात कर रहा है? द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यस साउथ कोरिया। ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया। इसके बाद साथ में आपके मॉरिशस, म्यांमार और यूएसए, दीज आर द ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 14 सार्क समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2007। 2007 में आपका 14 सार्क समिट हुआ था, और ये किस चीज में फोकस था, इसकी जो गोल थी वो क्या थी? आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। ओके, अच्छा से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, इसके बाद आराम से आप आंसर कर सकते हैं, देयर इज नो हरी, यू हैव इनफ टाइम। ओके, प्लीज रीड केयरफुली, 10 मोर सेकेंड्स। ओके चलिए, तो आई एम सीइंग प्रतिभा, हैप्पी, कानू, प्राणा, सूरज का, यस, और राहुल राज अर्जुन, 7 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंप्रूविंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। 2007 में 14 सार्क समिट जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, और ये इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में इसका जो मेन गोल था, मेन फोकस था, वो ये था। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क? आपके सार्क के ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं ए बी सी डी में, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव है जो सार्क का नहीं है। आई एम प्रोवाइडिंग द पोल, प्लीज रीड केयरफुली। ओके ओके ओके, देखते हैं। ओके, 5 मोर सेकेंड्स। तो इस बार कानू, राहुल, मिली और नरेंद्र, यानी कि 4 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, मैक्सिमम लोग जो है वो सी को मार्क किए हैं। देखते हैं सी क्या था, टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल है पोटेंशियल। ये तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि सार्क जो है वो एक सोशल कल्चरल, और बोल सकते हैं इकोनॉमिक कम और सोशल कल्चर ज्यादा है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टिविटी, एक दूसरे से बॉन्डनेस को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए, तो सी ऑप्शन किसी भी तरह से गलत नहीं है। ऑप्शन डी आप लोग ध्यान से पढ़े, ऑप्शन डी क्या था, टू प्रमोट एंड असेंडेंट सेलेक्टिव सेल्फ रिलायंस एमंग द
कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, क्या सार्क कंट्री जो है वो ईस्ट एशिया की बात करता है या साउथ एशिया की बात करता है? सिंपली कमेंट फर्स्ट, आइदर इट टॉक्स अबाउट साउथ एशिया और ईस्ट एशिया। आई एम वेटिंग, ये किसकी बात करता है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड प्लांडा, वेरी गुड हैप्पी। ठीक है, तो ये मेनली जो है वो आपका ईस्ट एशिया नहीं होगा, बल्कि ये आपका साउथ एशिया होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे ही छोटे छोटे चीजों में आपको ट्रिकी तौर पे फंसाया जा सकता है एग्जाम्स में, तो इन चीजों के लिए आप हमेशा और हमेशा अलर्ट रहेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि कोई भी वर्ड आपके सामने गेम ना कर दे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वर्ड डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए वन और टू। स्टेटमेंट वन जो है, फर्स्ट सार्क समिट वॉज हेल्ड इन बैंगलोर इंडिया, सेकेंड सार्क समिट वॉज हेल्ड इन ढाका बांग्लादेश। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं। सभी लोग आंसर कीजिए। ओके, चलिए तो यस प्रांगना, मिली, हैप्पी, नरेंद्र, प्रतिभा, कानू, विश्वजीत, आठ लोगों ने इस बार करेक्ट किया है, बाकी तीन लोग जो है इनका आंसर गलत कर दिया है। कैसे? अभी तो हमने बताया था कि जो अभी तो मैंने डिस्कस किया था ना कि इंडिया में जो हुआ था वो सेकेंड समिट हुआ था, और वो पहला बार था जब इंडिया उसको कंडक्ट कर रहा था। तो स्टेटमेंट वन जो है वो इंडिया में तो हुआ ही नहीं था, सेकेंड साल समिट जो है वो इंडिया में हुआ था, इसलिए भी गलत है। तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इस प्रकार थे। अब हम लोग समझने वाले हैं सार्क को। तो आर यू रेडी गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सार्क? व्हाट इज सार्क? व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सार्क? व्हाई वी आर स्टडिंग सार्क? आर यू रेडी गाइस? क्या तैयार हैं? कैन आई गो? यस यस, विश्वजीत, मिली, कानू, हैप्पी, प्राणा, नरेंद्र, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो हमें देखने को मिलता है कि आपका आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है कि विश्व में एक यूएनओ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें देखने को मिलता है कि जितने भी रीजनल्स होते हैं, मतलब जितने भी रीजन्स होते हैं, हर रीजन अपने आप को मजबूत करने में लगे होते हैं। यानी कि आपको, आप देख सकते हैं G7 जो है कंट्रीज, वो सब जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन लोग अपना एक फ्रेमवर्क बना लिए, एक ग्रुप बना दिए। क्या आप कमेंट बता सकते हैं इन विच ईयर G7 वाज फाउंडेड? G7 ग्रुप 7 वाज फाउंडेड इन विच ईयर? डू कमेंट फर्स्ट, इसको भी नोट कर लीजिएगा जिनको याद नहीं होगा। G7 इफ यू डोंट नो राइट नो। 1973-74, एक और अगर बढ़ जाइए सही आंसर आ जाएगा। 1975, ठीक है, 1975 में आपका G7 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो हमें देखने को मिलता है कि उस तरह से यहाँ पे और भी अलग अलग जगह पे आसियान, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और कई सारे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन रहे थे। तो उस फेज में ये साउथ एशिया जो है वो कहाँ पीछे रहने वाला था? तो हमें देखने को मिलता है कि बांग्लादेश के एक फेमस व्यक्ति थे जिया उर रहमान, उन्होंने 1985 के टाइम में, ठीक है, नेपाल के साथ मिलकर ये अप्रोच आगे बढ़ाने की कोशिश की कि इस रीजन में भी एक हमारा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस समय ये देखने को मिलता है कि फाइनली बाकी 7 साउथ एशियन नेशंस के साथ मिलकर, ठीक है, इनिशियली 7 साउथ एशियन नेशंस के साथ मिलकर और सार्क की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। सार्क का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सार्क का सिंपल सा है, क्योंकि साउथ एशिया की बात करता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो सबसे बड़ी बात है ये कि ये जो संस्था है वो नाटो के जैसा एक मिलिट्री संस्था नहीं है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये रीजनल कोऑपरेशन वाली संस्था है। यानी कि ये आपकी कल्चरल कोऑपरेशन, आपकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आपकी सोशल, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे कोऑपरेशन की ये बात करता है। तो इट वॉज सेटअप, यस यस, तो इट वॉज सेटअप ऑन 8 दिसंबर 1985, एंड इसकी जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो ढाका बांग्लादेश में नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज नॉट इन ढाका बांग्लादेश। चूंकि आपको, आपके दिमाग में आता होगा सर इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो चूंकि बांग्लादेश ने दिया था, इसलिए हो सकता है बांग्लादेश में होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो ढाका में जरूर हुई थी, लेकिन इसकी जो हेडक्वार्टर बनी वो आपका नेपाल काठमांडू में बनी। ठीक है, और इसके जो मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर्स में टोटल हमें आज
8 कंट्री मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जबकि इनिशियली में टोटल 7 कंट्री मेंबर्स थे। 7 कंट्री मेंबर्स में हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन इनमें से एक कंट्री जो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वॉज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ योर सार्क। सार्क का फाउंडिंग मेंबर आपका अफगानिस्तान नहीं था। यानी कि अगर आपसे एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, आई थिंक कल मैंने क्विज में डाला भी था एक क्वेश्चन कि साउथ एशियन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 8 कंट्रीज होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो अफगानिस्तान जो है वो ज्वाइन करता है, उसका ईयर जो होता है वो 2007, ठीक है, 2007 में अफगानिस्तान जो है वो सार्क को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सार्क को मैप के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, ऐसे मतलब एक कॉमन कॉन्सेप्ट से लिए। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, ठीक है, तो सार्क का एक जो गोल है, जो फोकस है, जो उसका एक व्यू है, व्हाट फॉर व्हाट सार्क हैज मेड, तो टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, ये साउथ एशिया के लोगों की वेलफेयर को आगे बढ़ाने की बात करता है, एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि आपको पता होगा कि साउथ एशिया में रिसोर्सेज जो है वो फूट फूट के भरी है, लेकिन साउथ एशिया जो है वो गरीबी से बहुत समय पहले से, ये मतलब यहाँ के जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर आप यहाँ की पोजिशन देखें तो सारी कंट्रीज बहुत ही बुरी हाल में देखने को मिलती है। तो इस तरह से वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव टू एसिमिलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जिसकी बात मैंने पहले किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता ही करता है। इसके साथ साथ आपका सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन एंड प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लिव विद डिग्निटी एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, इसकी भी बात करता है। यानी कि सार्क नेशंस इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे मिलकर इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान के साथ मिलकर कि हम अपने सिटीजन्स को उनके फुल पोटेंशियल तक डेवलप होने में मदद करेंगे। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसमें मैं बात करता हूँ, दो पॉइंट बचे हैं उसको बताता हूँ। थर्ड जो है, टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग सेलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, यानी कि इंडिया मान लेते हैं किसी एक चीज में रिलायंस हो सकता है आपका, श्रीलंका जो है उसकी पावर जोन अलग है, मतलब किसी खास रिसोर्सेज उसके पास काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा हो सकता है, तो हर लोग जो है सेल्फ रिलायंस जो बनेंगे वो सेलेक्टिव जोन में या सेलेक्टिव चीजों में बनेंगे, ऐसी बात की गई। एंड नेक्स्ट, टू प्रमोट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम। लेकिन इतनी सारी ये अच्छी अच्छी बातों देखने में तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक मिसफॉर्चून की बात यह है कि सार्क जिस मोटिव के साथ बनाया गया था, आज ये हमें सफल होते हुए नहीं दिखता है, ठीक है। क्या बता सकते हैं कि सार्क की जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो किस ईयर हुई थी, सक्सेसफुल लास्ट मीटिंग कब हुई थी, व्हेन वाज द सक्सेसफुल लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड, 2019 में, यस, वो कोविड-19 टाइम में वर्चुअली एक हुआ था, बट दैट इज नॉट सक्सेसफुल मोर ऑनलेस, ठीक है। तो 2014 के बाद हमें देखने को मिलता है कि इसकी कोई भी प्रॉपर माल्टा की मीटिंग नहीं होती, और इसके प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम थे आपका, यस, काठमांडू, नेपाल उसकी चेयरमैनशिप कर रहा था। अब हमें प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है जिसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या बता सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, व्हाट आर द हिंड्रेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ सार्क, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, कौन सारी वो ऑब्स्टेकल्स हैं आप बताएं कमेंट में, पाकिस्तान, टेररिज्म, एनी अदर, और कोई, इंडिया पाकिस्तान, यस, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान तो है, उसके साथ साथ कोई और, एनी मोर रिलीजियस एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, यस आई कंसिडर ये भी हो सकता है, और फियर ऑफ हेजेमनी, हमेशा याद रखिएगा जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो इंडिया को हेजेमनी पावर के जैसे देखते हैं, वो देखते हैं कि इंडिया जो है वो जायंट है, और इंडिया जो है वो ऐसा चाहता है कि वो सारी चीजों में, क्योंकि इंडिया इस रीजन में एक ऐसा कंट्री है जो सबसे बड़ा है, मोस्ट पॉपुलस है, जितने भी आपके साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें, तो जितने सारे कंट्रीज बाकी हैं वो इंडिया के साथ काम करने में सस्पिशियस भी होते हैं। इसके साथ साथ टेररिज्म, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी हिंड्रेंसेस तो आए हैं। इसके साथ साथ इंडिया श्रीलंका का भी आपका जो बोल सकते हैं रिलेशनशिप है वो कई बार अप्स एंड डाउन होते रहे। तो दीज आर द सेवरल इशू, बट डिस्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद हमें देखने को मिलता है कि सार्क टाइम में कोविड-19 पॉइंट का एक ये किया गया था, और उस समय काफी सारे कंट्रीज भी निकलकर सामने आए थे, बट वो सक्सेसफुली कितना सक्सेसफुल रहा ये अभी तक उसका कोई ये नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सार्क, ठीक है। तो ये छोटा सा जानकारी, मतलब एक ओवरव्यू आपके लिए मैंने दिया, क्योंकि आप ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। चलिए, तो इज इट क्लियर, क्या सार्क क्लियर है आप लोगों के लिए, इज इट क्लियर गाइस,
कैन आई गो अहेड, क्या आगे बढ़ा जाए? यस यस नरेंद्र कांडा हैप्पी विश्वजीत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ और समझते हैं। ओके तो क्वेश्चन ये है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ मोहित। ओके प्लीज वेट ए मिनट। चलिए चलिए तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी इज मोटो ऑफ, ये किस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो है? आई एम प्रोवाइडिंग यू द पॉल। ओके प्लीज रीड केयरफुली, अच्छे से पढ़ के इसका जवाब देंगे आप। ओके चलिए फाइव मोर सेकेंड्स। ओके चलिए तो प्रायना प्रतिभा मिली क्षितिज आकांक्षा, पांच लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है, बाकी लोग जो है इसका आंसर सही नहीं दे पाए। चलिए कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जब आप साउथ ईस्ट एशियन नेशन को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो एक ऐसा कंट्री है जिसका जो एक मोटिव है, जो एक गोल है, वो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑब्जर्व एज आसियान डे, आसियान डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? एक मिनट, यस ओके चलिए टेन मोर सेकेंड्स। ओके तो यस मिली कान्हू प्रतिभा प्रायना मोहित आकांक्षा सूरज का, आठ लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड द करेक्ट आंसर इज 8 अगस्त, क्योंकि आपको पता होगा कि आसियान का जो फाउंडेशन हुआ था वो 8 अगस्त 1970, व्हाट वाज दैट, प्लीज डू कमेंट फॉर व्हाट वाज द ईयर 1967 में इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई थी आपकी 1 अगस्त 1967। आपको इंडिया एंड आसियान के बारे में कंसिडर करना है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। आई एम गिविंग यू इनफ टाइम, प्लीज रीड केयरफुली। ओके ये आपकी रियल नॉलेज चेक करेगा ये क्वेश्चन, लेट्स सी। चलिए तो सूरज प्रायना कान्हू क्षितिज, चार लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। कैसे देखते हैं, स्टेटमेंट ए जो है, इंडिया बिकम सेक्टरल पार्टनर ऑफ आसियान इन 1992, बिल्कुल आप अपने कॉपी में अभी नोट कर लीजिए कि इंडिया जो है आसियान का सेक्टरल पार्टनर कब बना था, तो वो 1992 में बना था। स्टेटमेंट बी, दिल्ली डायलॉग इज ऑन टेक्नोलॉजिकल इश्यूज बिटवीन आसियान एंड इंडिया, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली डायलॉग जो है वो इंडिया एंड आसियान के बीच में पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करने के लिए ये बनाया गया था। इसके बाद स्टेटमेंट सी, इंडिया बिकेम डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान इन 1996,
इंडिया क्या आसियान का डायलॉग पार्टनर 1996 में बना था, तो बिल्कुल दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इंडिया बिकम डायलॉग पार्टनर इन 1996। नेक्स्ट, इंडिया बिकम समिट लेवल पार्टनर ऑफ आसियान इन 2000। इंडिया जो है वो आसियान का समिट लेवल पार्टनर क्या 2000 में बना था या कब बना था? डू कमेंट सिंपली फास्ट। इंडिया बिकम समिट लेवल पार्टनर ऑफ आसियान इन विच ईयर, क्या कोई याद है? डू कमेंट फास्ट। याद नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं। यस क्षितिज, हैप्पी, वेरी गुड। 2000 नहीं, क्षितिज बोल रहे 2005 नहीं, क्षितिज द करेक्ट आंसर इज 2002। ठीक है, 2002, 2002 में इंडिया जो है वो आसियान का समिट लेवल पार्टनर बना था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टेटमेंट ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर बी है। और इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, दिल्ली डिक्लेरेशन एक है, एक आपका दिल्ली डायलॉग है, और एक है आसियान इंडिया सेंटर। तो ये तीनों को आप याद रखिएगा। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? इट इज टू आइडेंटिफाई कोऑपरेशन इन द मैरी टाइम डोमेन एज द की एरियाज कोऑपरेशन। इंडिया और आसियान के बीच में मैरी टाइम में जो कोऑपरेशन होता है वो की एरियाज है, इसके लिए दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था। दिल्ली डायलॉग जो हुआ था वो आपका पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज को डील करने के लिए हुआ था। आसियान इंडिया सेंटर AIC टू अंडरटेक पॉलिसी रिसर्च एडवोकेसी ऑफ नेटवर्किंग एक्टिविटीज विद ऑर्गेनाइजेशंस एंड थिंक टैंक इन इंडिया एंड आसियान। यानी कि आपका AIC क्वेश्चन कभी भी आए कि आसियान इंडिया सेंटर किस लिए बना है, तो इंडिया एंड आसियान के बीच के रिलेशनशिप को और कैसे मजबूत किया जाए, इसको और कैसे रिसर्च किया जाए, इसमें और कौन कौन सी वेज ऑफ कोऑपरेशन होती है, हो सकती है, इसके लिए ये बनाई गई है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर होगी। इज इट क्लियर गाइस? क्या क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? इज एवरीथिंग इज क्लियर? कैन आई गो अहेड? कैन आई गो विथ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आसियान? यस नाना, हैप्पी। बाकी लोग अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क नाउ। ओके ओके, चलिए तो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। चलिए तो अब आसियान को समझते हैं। हमें देखने को मिलता है कि आपका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो होते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैप में आपको क्लियर देख पाएंगे आप कि इंडिया के आपके ईस्ट साइड में जितने भी कंट्रीज हैं, फिर चाहे वो म्यांमार हो, आपका थाईलैंड हो, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और आपका ब्रुनेई दारुसलाम, ये जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर आने की कोशिश किए। लेकिन क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि शुरू में इनिशियल फाउंडिंग मेंबर टोटल आसियान के कितने थे? देयर वाज हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान? डू कमेंट फास्ट। यस हैप्पी, वेरी गुड। आई थिंक आपने आसियान को काफी अच्छे से पढ़ा है, वेरी गुड। तो आसियान जो है उसके टोटल 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और इनकी अगर हम लोग बात करें एक मोटिव की, तो मोटिव है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। यानी कि सबका एक विजन है, एक आइडेंटिटी, एक जैसी पहचान है। पहचान यह है कि वो सारे के सारे कंट्रीज जो है वो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, और वन कम्युनिटी मतलब सभी एक समुदाय के रूप में एक जैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 1967, 8 अगस्त को हुई थी, और इसलिए इसको आसियान डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में मौजूद है। ठीक है, और इसकी फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो पहले से अगर 5 आप ले लें, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दीज आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ योर, दीज आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान। ठीक है, तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये सारे कंट्रीज हैं वो बाद में इस आसियान के साथ आगे जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं कुछ, एक मिनट, प्लीज वेट, प्लीज वेट। ओके, क्या बता सकते हैं ब्रुनेई जो है वो आसियान का मेंबर कब बना था? इन विच ईयर ब्रुनेई बिकेम द मेंबर ऑफ आसियान? अगर आपको याद है तो सिंपली राइट, इफ यू डोंट नो राइट नो, देयर इज नो इशू, आई विल टेल द आंसर। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, करेंट द फॉलोइंग इन एडिशन ऑफ ज्वाइनिंग आसियान, ऐसा कुछ करके। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं एक एक करके सबका आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमें ये देखने को मिलता है कि 1984 में आपका ब्रुनेई जो है, ब्रुनेई दारुसलाम, वो 1984 1984 के टाइम में ये जुड़ता है। वियतनाम जो है वो 1995 के टाइम में जुड़ता है। दो कंट्रीज, देयर आर टू कंट्रीज, लाओस एंड म्यांमार, लाओस एंड म्यांमार ज्वाइंड आसियान इन 1997, एंड लास्ट कंट्रीज टू ज्वाइन द आसियान वाज कंबोडिया, इट वाज ज्वाइंड इन, डू यू नो,
1999, ये 1999 में आपका कंबोडिया जो है वो इसका मेंबर बना था, ठीक है। तो इसमें से हमें देखने को मिलता है कि आसियान कंट्रीज जो है, ये सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर, और खास करके हमें सबसे बेनिफिशियल इसमें ये देखने को मिलती है कि इनके बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो काफी बड़ा है, और इसके साथ साथ देखने को मिलता है कि आसियान सिर्फ अनलिमिटेड नहीं है बल्कि वर्ल्ड के जितने मेजर पावर्स है, चाइना, यूएसए, ये सारे कंट्रीज के साथ मिलकर ये अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके सामने एक इसके साथ एक स्पेशल टर्म जुड़ा हुआ है, इसका इकोनॉमी बीच के साल में इतना ज्यादा बूम हुआ था, वो इतना ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल हुए थे ये कंट्रीज कि इनको बटरफ्लाई ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। आपसे कभी पूछ सकता है कि द टर्म बटरफ्लाई इज एसोसिएटेड विद विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दिस इज एसोसिएटेड विद योर आसियान। यस फ्लाइंग बी, यस बटरफ्लाई, फ्लाइंग बी, यस फ्लाइंग बी था, सॉरी सॉरी, यस फ्लाइंग बी, थैंक यू कानू, आई थिंक फ्लाइंग बी है, ओके। तो दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर आसियान, और ये था आपका आसियान, ठीक है। फ्लाइंग बी उनका नाम था, ठीक है, वो सिमिलर है ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज द टर्म ब्रिक्स, जो ब्रिक्स जो टर्म है वो टर्म को किसने यूज किया था या किसने क्वाइन किया था, आपको बताना है। आई एम प्रोवाइडिंग यू द पोल, ओके। चलिए 12 लोगों ने आंसर कर दिया है, 10 मोर सेकंड्स आर रिमेनिंग, और जिनको अगर याद है कि ये टर्म किस ईयर कॉइन किया गया था वो भी लिख सकते हैं, इन विच ईयर दिस टर्म वाज कॉइन। ओके, तो यस हैप्पी, मोहित, प्रतिभा, कान्हू, नरेंद्र, मिली, सूरज, कान्हा, क्षितिज, वेरी गुड, 10 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। प्राणा लिख रहे हैं 2001, हैप्पी लिख रहे हैं 2001, मोहित लिख रहे हैं 2003। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जिम ओ'नील, जो आपके एक इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने इस टर्म को 2001 में क्वाइन किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर अफ्रीका ज्वाइन ब्रिक्स, अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स को किस ईयर ज्वाइन किया था, आई एम प्रोवाइडिंग पोल। ओके, टेन मोर सेकेंड्स, चलिए ओके। डायन, मोहित, हैप्पी, सूरजेका, प्राणा, प्रतिभा, राहुल, अर्जुन, 6 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप लोगों का रिवीजन अच्छा हो रहा होगा ये सारे क्वेश्चन से, और आप लोग काफी कुछ सीख भी रहे होंगे, वेरी गुड। तो ब्रिक्स का जो ब्रिक्स में हमें देखने को मिलता है कि इनिशियली 4 कंट्रीज थे, लेकिन बाद में एस जो है लास्ट का टर्म उसमें 2010 में हमें देखने को मिलता है ये आपका साउथ अफ्रीका जो है वो ज्वाइन किया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेपाल एंड भूटान बिकम द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, एक मिनट, ओके, आई थिंक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। नेपाल एंड भूटान बिकेम मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, जो आपका बिम्स्टेक है उसके मेंबर कब बने थे आपका नेपाल एंड भूटान, आपको ये आंसर करना है। आई एम प्रोवाइडिंग द पोल इन विच ईयर, एक मिनट, चलिए ओके,
टेन मोर सेकेंड्स। ओके चलिए, तो कान्हू, मोहित, क्षितिज, हैप्पी, मिली, प्राणा, प्रतिभा, नरेंद्र, नसरीना और सूरज का 10 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। द करेक्ट आंसर इज 2004। 2004 का वो समय था जब बिम्स्टेक का मेंबर नेपाल और भूटान एक साथ बने थे। ठीक है, तो हम लोग अब समझने वाले हैं बिम्स्टेक को। देखिए, बिम्स्टेक हमें देखने को मिलता है कि आज के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनता हुआ दिख रहा है। पहली बात, बिम्स्टेक इंडिया के लिए कई मायनों में काफी इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं, पहला मायने यह है कि जितने भी साउथ एशिया में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बात कर रहा हूँ सार्क का, सार्क इज नॉट वर्किंग इफेक्टिवली इन द साउथ एशियन रीजन। तो हमें देखने को मिलता है कि साउथ एशियन कंट्रीज के साथ ही मिलकर जो सार्क के मेंबर हैं, उनमें से 5 मेंबर जो है वो इस बिम्स्टेक में भी शामिल है। तो उनके साथ मिलकर बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक के साथ इंडिया जो है वो एक नई बोल सकते हैं राह को तलाश रहा है। और ये इंडिया ये सोच रहा है कि बिम्स्टेक हमें एक पोजीशन प्रोवाइड करेगा अल्टरनेट टू डेट ऑफ सार्क। ये समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि बिम्स्टेक एक ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। पहला है आपका सार्क और दूसरा क्या कमेंट में बता सकते हैं, विच इज अनदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट द मेंबरशिप ऑफ बिम्स्टेक। कैन यू कमेंट, डू फास्ट। यस मायना, वेरी गुड, आसियान। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि ये बिम्स्टेक जो है वो एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन सार्क एंड आसियान, क्योंकि आसियान के 2 कंट्रीज इसमें हमें देखने को मिलता है, म्यांमार और थाईलैंड। ये 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो आपके आसियान में मौजूद है, लेकिन ये दोनों आपके सार्क में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1997 6 ऑफ जून को। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके नाम से आपके लिए ये क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक इज एक्चुअली बे ऑफ बंगाल रीजन। ये जो है वो बे ऑफ बंगाल रीजन के कंट्री मेंबर से एसोसिएटेड है, नंबर 1। नंबर 2, इट इज ए मल्टी सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ इकोनॉमिकली या सिर्फ पॉलिटिकली, सिर्फ एजुकेशनली, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल, सिर्फ ऐसी मतलब किसी खास पार्टिकुलर में ये डील नहीं करती है, बल्कि ये अलग अलग चीजों में डील करती है। इट इज ए मल्टी सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी काम करती है, मतलब टेक्निकल एजुकेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करके और एक दूसरे में कोऑपरेशन को ये आगे बढ़ाने का काम करती है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 6 जून 1997 को हुई थी। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज वेट टू मिनट, मुझे चेक कर लेंगे। देखो यस कानू, आप शायद मतलब आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने शायद मिस्टेक हुआ है मे बी। ठीक है, तो एजुकेशनल ही होगा यहाँ पे, आपका इकोनॉमिक होगा। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सॉरी फॉर दिस ब्लंडर मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। इट इज ए टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, इट्स फाउंडिंग मेंबर्स, अगर इसे फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो इसमें आपका बांग्लादेश, भूटान, इसमें जो मेंबर्स हैं उसमें आपके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, दीज आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। इट इज कॉल्ड ए मिनी सार्क, इसको मिनी सार्क के भी नाम से जाना जाता है। इंडिया इन्वेस्टिंग इन इट एज एन अल्टरनेटिव टू सार्क अंडर इट्स लुक इट्स पॉलिसी। तो इंडिया का जो लुक इट्स पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया बिम्स्टेक को बहुत इंपॉर्टेंट रूप में देखता है। क्या बता सकते हैं लुक इट्स पॉलिसी जो है वो किस ईयर आई थी, इंप्लीमेंट कब की गई थी, इसे इन विच ईयर लुक इट्स पॉलिसी वॉज स्कीम? यस यस, आई एम वेटिंग फॉर, यस, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के टाइम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 और 2, ये दोनों ही टाइम पीरियड के आसपास में इसे 1991 2 के आसपास में इसे किया गया था। ठीक है, और जो आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी था वो कब आया था? एक्ट ईस्ट पॉलिसी यस यस यस, आपका इसमें 2014 आंसर आएगा। ठीक है, जब से एनडीए की गवर्नमेंट भारत में बनी उसके बाद इस पॉलिसी को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दे दिया गया। कुछ एक दो क्वेश्चन और आते हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और ये भी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे थे,
क्वेश्चन ये कि ये है कि इंडिया जो है जब 2014 में मोदी जी का ओथ सेरेमनी था उस समय किस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया गया था? डू रिमेम्बर उस समय किस रीजनल? यस हैप्पी, वेरी गुड। उस समय सार्क को यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन को उस समय इन्वाइट किया गया था। एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट जब फिर से आपका 2019 में मोदी जी का ओथ सेरेमनी था उस समय किस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वाइट किया गया था एज ए गेस्ट? यस, बिम्स्टेक, वेरी गुड। तो बाकी लोग जिनको याद नहीं है वो इन चीजों को नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अभी रिसेंट लास्ट ईयर का यूजीसी नेट का क्वेश्चन देखेंगे तो आपका फर्स्ट ओथ सेरेमनी जो सार्क को इन्वाइट किया गया था वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से इसको मिनी सार्क भी कहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इट इज ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। तो अगर आप इसको एक मैप के माध्यम से समझना चाहें तो दीज आर इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। तो ये है आपका बिम्स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ब्रिक्स बैंक? इनमें से कौन सा एक बैंक है जिनको हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं? ओके, यस, तो यस, कानू, प्रतिभा, प्राणा, हैप्पी, सूरज, नसरीन, राहुल, आकांक्षा, 9 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये बैंक आपका एसोसिएटेड है ब्रिक्स के साथ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? आपको बताना है इनमें से कौन सा मेंबर कंट्री है जो सार्क का मेंबर नहीं है, सॉरी सार्क नहीं, ब्रिक्स का मेंबर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स का मेंबर इनमें से कौन नहीं है? ओके, टू वन गो, लेट्स सी। तो प्राणा, यस, प्रतिभा, कान्हू, हैप्पी, कान्हू, मिली और सूरज, 8 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। जापान इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का नाम आप याद रख लीजिए, ठीक है, इससे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी हम लोग उसको आगे देखते हैं, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कंट्री है जो ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। आई एम प्रोवाइडिंग यू द पोल। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चलिए देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना था क्लास को। ओके, 10 मोर सेकेंड्स। वेरी गुड, तो प्राणा, नरेंद्र, हैप्पी, यश, कान्हू, आकांक्षा, मिली, मोहित, सूरज, प्रतिभा, 10 लोगों ने इस बार फिर से करेक्ट किया आंसर को। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स में उसके फाउंडिंग मेंबर नहीं था, ये कंट्री जो है वो 2010 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब हम लोग समझने वाले हैं ब्रिक्स को, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिक्स? व्हाट इज ब्रिक्स? व्हाई ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट? आर यू रेडी गाइस? क्या आप तैयार हैं? Yes, 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 yes. Very good, very good, very good. All of you are excited. This is very big thing. Okay, very good. तो चलते हैं ब्रिक्स की ओर। तो ब्रिक्स का जब भी नाम सामने आता है तो इसके members, countries का आप नाम इसके abbreviation से ही निकाल सकते हैं जो आपका ब्रिक्स नाम है। ब्रिक्स यानी कि B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये कभी भूलने वाली बात तो है ही नहीं। तो ये सारी कौन कंट्री है, ये सारी जो कंट्री है वो कैसे कंट्री है? जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा ये जितने सारे कंट्री मेंबर हैं वो वर्ल्ड में मेजर इकोनॉमिक पावर या एक इकोनॉमिक मेजर
इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये सारे कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ही पावरफुल है या तो पावरफुल आने वाले टाइम में बनने जा रहे हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 2006 में, जून 2006 में ये आपकी एस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन 2009, ठीक है, और इसमें अफ्रीका जो है 2010 में ज्वाइन होता था, ज्वाइन हुआ। इन 2012 मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। याद रखिएगा कि ब्रिक्स का कौन सा मीटिंग आपका 2012 का मीटिंग कहाँ हुआ था ये पूछ सकता है, या न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग कब हुई ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2012 में जो मीटिंग्स हुई थी वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके साथ साथ ब्रिक्स कंट्री जो है वो आपस में एक बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश किए, जो मेनली काउंटर करने की कोशिश की गई वेस्टर्न पॉलिसीज को या वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एवरीथिंग को। कैसे समझते हैं इसको? आज हमें देखने को मिलता है कि जो एलपीजी का प्रोग्राम है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको कंट्रोल कौन करता है? हु इज कंट्रोलिंग दिस एलपीजी? डू कम इन फर्स्ट, क्या आपको पता है कि ये जो एलपीजी है उसको कंट्रोल कौन करता है? हु इज एक्चुअली कंट्रोलिंग? विच रीजनल और विच ऑर्गेनाइजेशन? यूएसए? एनी मोर कमेंट आई एम वेटिंग फॉर? वेस्टर्न? एनी मोर कमेंट आई एम वेटिंग फॉर? EU? और कोई? EU और कोई? एनीमोर? डॉलर? एनीमोर? ओके ओके, नॉन गवर्नमेंट, EU। चलिए देखिए इसका आंसर बताते हैं आपको। हमें देखने को मिलता है एलपीजी, आपको एक हिंट देते हैं, जब इंडिया में 1991 के टाइम में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी, इंडिया को हेल्प कौन किया था? यूएसए, EU या कौन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या कौन हेल्प किया था? वी हु हेल्प इंडिया इन 1991? अब आप क्लियरली बता सकेंगे इसका आंसर, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये सारे जो कंट्री है, सॉरी, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज आर कंट्रोलिंग एलपीजी, ये जो है वो एलपीजी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके बाद बात ये होता है कि इसी चीज को काउंटर करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे बैंक को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो आपका संघाई यानी कि ये भी आपका चाइना में ही है, ठीक है। तो हालांकि ये बैंक के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ऐसी कोशिश की गई कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उसमें जो मेजर पावर है वो आपका यूएसए का चलता है, ठीक है। तो वैसा इसमें कोशिश ये रखी गई कि जो बैंक होगा उसमें सबका इक्वल शेयर होगा एवं सबकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगी वो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो आपके एस्टेब्लिश होते हैं, इनकी ग्रुप जो है वो एस्टेब्लिश होती है। इसके देख सकते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दीज आर द मेंबर्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कुछ, अब हम लोग एससीओ को समझते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ शंघाई फाइव, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक मेंबर जो है वो शंघाई फाइव का मेंबर नहीं था। आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। ओके, ओके, तो हैप्पी, नरेंद्र, राणा, राहुल, चार लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। उज्बेकिस्तान वाज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ, या इस तरह से बोल सकते हैं ये शंघाई फाइव का मेंबर नहीं था। करेक्ट आंसर इज उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, एससीओ का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस ईयर हुई थी? आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। ओके, ओके, 15 मोर सेकेंड्स। ओके, चलिए, तो हैप्पी, प्रतिभा, दो लोगों ने सिर्फ इसका करेक्ट आंसर किया है, मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया ए और बी। नो, द करेक्ट आंसर इज 1996, 1996 में आपका संघाई
एससीए जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ओके, एससीओ वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1996। इंडिया अनाउंस कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो था वो किस ईयर इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था? आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। चलिए इसके बाद सारी चीजों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 3 2 1 गो, लेट्स सी रिजल्ट। तो हैप्पी, आकांक्षा, सूरजिका और नसरीन आसमा, चार लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। बाकी लोग जो है इसका आंसर सही नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, द करेक्ट आंसर इज 2012। 2012 में इंडिया जो है पॉलिसी लाता है, वो पॉलिसी का नाम होता है कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी। यानी कि सेंट्रल एशिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते और हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपने संबंध अच्छे करने पड़ेंगे। इसके लिए 2012 में ये पॉलिसी आया था। ठीक है, तो अब हम लोग समझने वाले हैं एससीओ को, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो पहले ये बताइए, आर यू रेडी गाइस? क्या तैयार हैं इसको समझने के लिए? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? या बोर हो गए आप सभी आज के क्लास से? चलिए, यस, हैप्पी, राजना, सूरज, मिली, तानू, यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो हमें देखने को मिलता है कि एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ एक आपका एशियन ग्रुप नहीं है। इसके साथ साथ देखने को मिलता है कि ये एक यूरेशियन ग्रुप है, यानी कि इंडिया के साथ साथ यूरोप इसमें शामिल है। इसलिए याद रखिएगा, एससीओ इज एन यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। और आपको एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, नाटो ऑफ द ईस्ट। जिस तरह से नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से नाटो ऑफ द ईस्ट, अगर कोई भी कभी भी क्वेश्चन आए, नाटो ऑफ द ईस्ट जो है वो आपका एससीओ को कहा जाता है, याद रखिएगा। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो आपका 1996 में हुई थी। इसके साथ साथ इसकी मेंबर्स की बात करें तो पहले शंघाई 5 मेंबर्स थे, ठीक है, जिसमें आपका चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, और इसके बाद कुछ कंट्रीज बाद में जुड़े, उसमें से आपका उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान जो है वो आपका 2001 में जुड़ता है, और इंडिया एंड पाकिस्तान जो है, यहाँ पे गलत है, इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो किस ईयर जुड़ते हैं? कैन एनीवन रिमेंबर इन विच ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंट एससीओ? यस यस यस, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ टुगेदर ज्वाइंट एससीओ इन द ईयर 2017। 2015 से इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन 2017 में फाइनली ये जाकर फाइनलाइज होती है और फिर ये दोनों कंट्री जो है वो जुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ द एससीओ इज द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल कवरेज। अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि ज्योग्राफिकल कवरेज के आधार में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो ये आपकी आती है एससीओ। इसके साथ साथ इसकी पॉपुलेशन की कवरेज की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा है, और ये यूरेशियन कॉन्टिनेंट का लगभग 3/5 पोर्शन जो है वो कवर करता है, और नियरली देखा जाए तो पूरी पॉपुलेशन की हाफ पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं के पास होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया, चाइना, जो वर्ल्ड की जो सबसे मोस्ट टू पॉपुलस कंट्रीज है वो खुद इसी ऑर्गेनाइजेशन में है। ठीक है, तो इस तरह से एससीओ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस को बिल्डअप करने में, इसे आगे बढ़ाने में। यही कारण है कि इसकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए इसे नाटो ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, खास करके उज्बेकिस्तान जो है 2001 में ऐड होता है, एक में ज्वाइन होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस पे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये सारी चीजों को आप याद रखेंगे, क्योंकि दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए एक मैप है जिसके माध्यम से आप चीजों को याद कर सकते हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। तो ये था आपका आज का क्लास, एक छोटा सा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग क्लास। तो आई होप आप सभी को इससे बहुत बेनिफिट मिली होगी और आप सभी इस क्लास को एंजॉय करते हुए काफी कुछ सीखे होंगे। इज एवरीथिंग इज क्लियर गाइस? क्या आप क्लास को एंजॉय किए? इज एवरीथिंग क्लियर? डू एंजॉय द क्लास? यस 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 यस, मिली, कान्हू, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आकांक्षा, नरेंद्र, सूरज, तान्ना,
हैप्पी, मिली, प्रतिभा, सूरज, क्षितिज, वेरी गुड। आपको अगर अच्छी लग रही है तो मेरी बस इतनी ही चाहिए ख्वाहिश है कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो बेसिक सा प्लेटफॉर्म है, आई थिंक आप सभी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैंने जो चार्ज किया है आप लोगों से वो कितना कम है या उसकी क्या मायने हो सकती है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना से मैक्सिमम लोगों को हेल्प करूँ, वो मेरे लिए, मेरे खुशी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी, मेरे लिए सबसे बड़ी एसेट होगी। ठीक है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट जितने लोगों तक पहुंचे, दिस इज बिगेस्ट एफर्ट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक ये स्मॉल एफर्ट है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रही होगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको पढ़ेंगे। हालांकि मैंने उसमें लिखा है बिम्स्टेक जो पोस्टर है उसमें, लेकिन बिम्स्टेक नहीं, हम लोग बाकी जो और ऑर्गेनाइजेशन है खास करके अदर, जैसे आपका यूरोपियन और अमेरिकन, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू।